market. सर, सिंगापुर से आपके लिए फोन। मिस्टर मल्लिक आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। अभी नहीं, वो आपके सिर्फ 5 मिनट चाहते हैं सर। कहा ना अभी नहीं।
बजरंगबली, राम भक्त हनुमान की जय। पंच क्या देख रही हो? कुछ नहीं यार, सच मेरा बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है। आज भी लेट आए मास्टर जी? आपने मेरी दीदी को बुलाया था ना, वो देखिए वहाँ आई है। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। देखिए आपका भाई ठीक से क्लास नहीं आता, आता तो एक्सरसाइज नहीं करता। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा जाता है। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड क्लियर रहता है, माइंड क्लियर होगा तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा। आपको उसे समझाना चाहिए। हाँ समझा दूंगी। अच्छी बात है। सर 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 सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। वो अगली है और मैं प्रीति हूँ, आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना? वो क्या है ना, मेरे पिताजी का बिजनेस जोरों से चल रहा था तब मैं पैदा हुई थी। इसलिए मैं प्रीति हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी को लॉस होने लगा, तब पैदा हुआ मेरा भाई, इसलिए सर वो थोड़ा अगली है। सर 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 सॉरी सर, फोन पर बात कर रही थी। मैं दिनेश की बहन हूँ सर। मेरे भाई के बारे में आप कुछ बताने वाले थे ना सर? मैं बताती हूँ ना, तुम्हारा भाई ठीक से क्लास नहीं आता, आता है तो एक्सरसाइज नहीं करता। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा कहा जाता है। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड क्लियर रहता है, माइंड क्लियर रहेगा तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा, करेक्ट ना सर? और कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं और कुछ नहीं। चल सर, सेम पेज सेम कलर। मैंने भी ब्लू ही पहना है। ए अपनी शक्ल देखी है? कितना सेक्सी शॉट था। जेटी का है और देख रही हो 2020 मैच। ये सब बैड हैबिट को काशी में छोड़ कर आना चाहिए था, इसलिए तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। अच्छी बात है, गलती से भी बाहर मत निकल जाना। क्यों? लोग देखेंगे तो पागल समझेंगे। जैसी सास वैसा दामाद, चुपचाप खाना खाओ। हाँ हाँ। ए, कॉलेज के पास वेट करने को कहा था ना, और तुम यहाँ खाना खा रही हो? मैं वेट कर रही थी, तुम नहीं आए तो फ्रेंड के साथ आ गई, अब छोड़ो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? इसमें समझने वाली क्या बात है, इसने तो कंफर्म कर दिया है बेवकूफ ही हो। दूंगा एक। 5 मिनट वेट नहीं कर सकती थी? तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? सुना आपने, इसे अपने बड़े भाई की जरा भी इज्जत नहीं है। पहले तुम तो बड़े भाई जैसे रहो, अब वो घर आ चुकी है, छोड़ दो। क्या माँ, तुम इसका हमेशा सपोर्ट करती हो। फोन बज रहा है। हेलो, बोलो कौन है वो? टीच मी कुंग फू। कराटे सिखाओ मास्टर जी, कराटे सिखाओ। ठीक है, पहले गुलाटी मार के दिखाओ। मतलब बंदर जैसी पलटी। ये क्या चल रहा है? मास्टर, असली मास्टर आप हैं? तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, छोड़ूंगा नहीं मैं। कुंग फू मास्टर। क्या रे, बच्चे को क्यों मारा तूने? मास्टर जी, इसने ये कह के मुझे बेवकूफ बनाया कि यहाँ का मास्टर ये है, तो गुस्सा तो आना ही था ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी। तू कौन है? मेरा नाम मवाली मलिंग है मास्टर। क्या चाहिए तुझे? वो क्या है ना कि मैं आपसे कराटे सीखना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, तुझ जैसों को नहीं, चल जाए यहाँ से। मास्टर, आपको मुझे पूरा कराटे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ बाएं हाथ का कराटे सिखा दीजिए। इस बाएं हाथ से जब मैं उसे मारूंगा ना, तो गुदली गोपाल साफ हो जाना चाहिए, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। ये गुदली गोपाल कौन है? गुदली गोपाल भाई, सरकार अपने जैसों को मौका दे रही है भाई। गुंडे लोगों को नया जीवनदान मिल रहा है, हत्या कब्जा अत्याचार
और ऐसे सभी समाज विरोधी काम करने वाले लोगों को सरेंडर का मौका दिया जाता है। सजा के बदले शिक्षा के तौर पर नया जीवन जीने के लिए सरकार मौका दे रही है, और वो नया जीवन जीने के लिए जीवन यापन और काम करने के लिए सरकार उनको थोड़ी सी जमीन भी दे रही है। हम भी ना किसी भी तरह से हाथ जोड़ के गुंडों के ग्रुप में जाके शामिल हो जाते हैं। जब वो हमें स्वीकार कर लेंगे तो हम भी उनके साथ जाके सरेंडर कर लेंगे। आप मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए प्लीज। Hey, तुम दोनों हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो? मैं तुम दोनों का टेस्ट लूंगा, तुम्हें पास होना पड़ेगा। Okay, बॉस, हम तो पास होके रहे। Hey, ये लोग पास नहीं हुए ना तो गोली मार देना। खड़े हो जाओ। Yes, बॉस। पीछे पीछे। इसके हाथ में हथियार दे दो। Yes. Hey, मुझे प्यास भी लगी थी। ये पीने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए? हथियार है। चलो टहलते हुए बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग हमारे ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहते हो? वो सुना है कि आप जैसे लोगों को सरकार एक नया मौका दे रही है, इसीलिए बॉस। हमने सुना है कि अगले हफ्ते आप सरकार के सामने सरेंडर होने जा रहे हो। हल्का हो गया। अब तक आपने अपने जीवन में बहुत सारी मारकाट की है ना। आप जो काम कर रहे हैं अगर हम भी उसमें शामिल हो जाएं और ऐसा हम पुलिस को जाके कह दें तो सरकार हमें लाखों रुपए और जमीन देगी बॉस। हाँ, उस पे आपके नाम का एक छोटा सा 5-स्टार होटल खोल के हम मरने तक आपकी फोटो की पूजा करेंगे सर। तुम लोग रुको, मैं बुलाता हूँ। बुलाता हूँ। अरे क्या तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो? वहाँ लोटा लेकर क्यों खड़े हो? जल्दी पास आओ। सुनिए आपने मेरी दर्द भरी कहानी, अब तो सब कुछ पता चल गया ना। है हे, तू फिर से यहाँ कैसे आ गया? मास्टर जी कहाँ चले गए? तुम जब धो रहे थे ना तभी मास्टर चले गए। Hey, क्या तू ही अभी बन्नू है? हाँ मैं ही हूँ। YMCA कराटे चैंपियनशिप के लिए अपना नाम दिया है तूने? नहीं दिया। क्यों? Hey, क्यों क्या, ऐसा सवाल मत पूछ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपना नाम दे दिया? तू मुझे चैलेंज देना चाहता है? देखो तुम्हें कुछ गलत। Hey, हर साल हमारे बहुत ही चैंपियन होते हैं, पता है क्या? अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो चलने के लिए तेरे पैर नहीं रहेंगे। अब तक तो नहीं दिया था मगर अब जरूर दूंगा। सर को मेरी बात समझ में नहीं आई। मास्टर मास्टर, बैक किक तो ठीक है, फ्रंट किक में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप जरा दिखाएंगे कैसे करना है? ए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये देख। इस तरह नहीं भाई, ऐसे। Thank you.
बैठ जा। मेरी टांगे काट के तुम यहां तो जीत जाओगे, लेकिन वहां नहीं जीत पाओगे, वहां ओलंपिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। मैं तुम्हारी टांग खींचू, तुम मेरी टांग खींचो। इसलिए हम अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है छोड़ो, क्या तुम्हें गट्स है इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने का? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। बिना किसी लक्ष्य के जिंदा रहना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, इसका कोई अर्थ नहीं है। सपना बड़ा होना चाहिए। सर एक बार कह दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया है। इंसान को जब गलती का एहसास होता है तो किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। राम भक्त हनुमान की जय। लीजिए सर। थैंक यू। कबड्डी 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 बचाओ बचाओ कबड्डी 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 मुझे छोड़ दो। एए, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, वो भी मौसम भी दिखाकर। तू कौन है भाई? मैं हूँ कुरुपल्ली तुंडा टोल तुकाराम, समझ गया? क्या वो? तू अभी के अभी ईमानदारी से मेरी बहन से शादी करने को तैयार हो जा, नहीं तो। अरे पागल हो गया है क्या तू? तूने उसकी शक्ल भी देखी है? उससे शादी करने का मतलब है अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। मेरी बहन को उस बच्चे की माँ बने हुए 10 साल हो गए हैं। तू जरूर आएगा इस विश्वास पे, उसने अभी तक बच्चे का नाम भी नहीं रखा है। उस रास्ते से आने जाने वाला हर एक आदमी मौसम्बी का बच्चा कह के मेरी बहन का अपमान कर रहा है। तू चल के उससे शादी कर, नहीं तो मैं तेरा क्या करूंगा क्या करूंगा जानता है? अब तू ही बता मैं तेरा क्या करूं? पता नहीं उसे किसने मौसम्बी खिला दी और तू मेरे पीछे पड़ा है। तुझे तो मैं। पुलिस आ रही है, सब लोग जल्दी जल्दी अपनी तलवार छुपा लो। पुलिस आ रही है इसलिए मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूँ। अगली बार तू कहीं भी मिल गया ना तो तुझे बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। चल चल चल। इधर आ, मर्द का बच्चा है तो वापस आ। कबड्डी कबड्डी। अरे मास्टर जी, मास्टर जी आपने मुझे क्यों मारा? मौसम्बी दिखाकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, शर्म नहीं आती तुझे? थू। मास्टर जी अगर आपने उस दिन मेरा पूरा फ्लैशबैक सुना होता ना तो आप मुझे इस तरह से नहीं मारते। फ्लैशबैक की कहानी बहुत दर्द भरी है, कहो तो सुना दूं? सुनाई देता हूं। ये क्या है भाई, हथियार रखने को कहा तो लोटा रख दिया? हथियार बोलकर मेरे हाथों में लोटा ही पकड़ाया गया था, अब इसका क्या करूं? तुम ही रख लो। क्या किया तुमने? मैंने 2 घरों में घुस के सोने और पैसे चुराए, बस इतना ही? इतना ही? इतने के लिए लैंड नहीं दे सकता हूँ। 20,000 लो और जाकर कोई दुकान खोल लो। नेक्स्ट। तुमने क्या किया? 30 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। बापरे, बर्बाद किया है तो ऐसे बोल रहे जैसे उन लड़कियों की जिंदगी आबाद की हो, बड़ा अजीब है। ये बड़ा अपराध है, फिर भी ये सामने आकर अपने गलती मान रहा है। 20 एकड़ जमीन और 2 लाख कैश, इसे तो अरे सुना भाई, अगर छोटे मोटे गुनाह माने ना तो ये 10-15 हजार देकर मंदिर के सामने एक छोटी सी फूल की दुकान खोल के दे देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या? तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए? बड़े बड़े अपराध बताएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारी जमीन भी मिलेगी। नेक्स्ट। अच्छा बताओ तूने क्या किया है? भाई कह दो इनसे तुमने 2-3 लड़कियों को बर्बाद किया है। ये क्या कह रहे हो, प्रूफ क्या है? पेपर में आया था, तुम झूठ बोल दो। ऐसा क्या? ठीक है मैं बताता हूँ। कुरुपल्ली तुंडाराम तुकाराम की बहन को मैंने मौसम में दिखाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद। और कुछ? चपरास गली में तुमने सर काटा था, बोल दो भाई। ए, ए, गुदरी ऐसा मैंने कब किया था? पेपर में आया था, तुम बोल दो। ऐसा क्या? येहू, चपरास पल्ली में चकली चंद्रा का सर काट कर उमा टाकीज में उसे लटका कर हर दिन 400 चलाए थे, वो पोस्टर भी मैंने लगाया था। और कुछ है? और क्या, इतना कम है क्या? बॉम्ब ब्लास्टिंग हाँ किया है ना। अभी तक जहाँ जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना सब हमारे भाई ने ही तो किया है। डिटेल्स इसमें देख लो। ये क्या है, इतने सारे अपराध किए हैं तुमने, इसके लिए या तो 50 साल के लिए जेल जाना होगा नहीं तो फांसी। गुदरी, गुदरी। सर मैंने इतने बड़े बड़े कांड किए, मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा क्या? फिर भी तुम आकर सरेंडर कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें 5 एकड़ जमीन और 5 लाख कैश दिया जा रहा है। 5 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए? सर चेक देंगे या कैश? सर आप पैसा चाहे जैसे दें, लेकिन जो आप जमीन मुझे देंगे ना वो MG रोड पे किसी बार के नजदीक होनी चाहिए। 10 साल जेल में गुजार कर आओ फिर दे देंगे। 10 साल की जेल? गुदली इसे अंदर लेकर जाओ। तू चल मेरे साथ। तुमने क्या किया? मैं तो बस उसका चेला था, बाकी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। ठीक है 5,000 तुम्हें दे रहा हूँ, बस स्टॉप पर जाकर मूंगफली बेचो। अरे यार सर, बॉस के बाहर आने तक मैं उनके पैसे और उनकी जमीन का ख्याल रख सकता हूँ ना? हाँ कह दो तो ठीक है। भाई सुनो, गुदरी
भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। धोखेबाज, जो मैंने नहीं किया वो सब तूने मेरे मुंह से उगलवा के मुझे फंसा दिया। कुछ अलग ही सोचा था, कुछ अलग ही हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम अंदर रहोगी, मैं बाहर रहूंगा। इसके लिए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं भाई, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ जेल में आना चाहता हूँ भाई। गुदली, तू भी अंदर आई जा, मैं वहाँ तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो आजा। वो पुलिस वाला नहीं मान रहा ना। कौन? वो पुलिस वाला। मेरे साथ चल, मैं मनाता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं भाई, वहाँ तक चल के जाने की तकलीफ क्यों कर रहे हो? यहीं से एक बार हाँ कह दो, देखो वो लोग मुझे भी तुम्हारे साथ अंदर ले चलेंगे। ऑफिसर। ओके तो ठीक है। गुदली आजा आजा आजा। ये हुआ था मेरे साथ मास्टर जी। ठरकी, ये तो मास्टर की आवाज नहीं है। अरे मैं तो फंस गया। मैं बस पुलिस के जाने का इंतजार कर रहा था। तुझे मैं आज किसी भी कीमत नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पीछे साइड मत करना। अरे सुसाइड मत करो, मत करो। वापस पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, जाओ। मेरी बात सुनो। ये क्या? तुम? कराटे मास्टर। देखो सुसाइड करना गलत बात है। सुसाइड? छी। टंगा हुआ कपड़ा निकालने गए तो मेरा पैर फिसल गया और मैं भी टंग गई। अब आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं मुझे पता है। क्या सोच रहा हूँ? इतनी सुंदर लड़की को आज अगर मैंने नहीं बचाया होता तो लाइफ लॉन्ग मुझे अकेले जीना पड़ता। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? किस किया, किस किया? मेरे घर में घुसकर मेरी पोती को किस किया? क्या कहा आपने? रिएक्शन तो बहुत अच्छा दे रहा है। अगर उसकी कमर से हाथ हटा दिया तो और अच्छा होगा। सॉरी। ये क्या चल रहा है? इस तरह से घर में घुसकर इस तरह की हरकतें करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? सॉरी माँ, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बेटा, हमारा खानदान बहुत इज्जतदार खानदान है। मुझे देखकर डिसाइड मत करो, हमारा परिवार संस्कारी परिवार है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं बताती हूँ ना, अभिमन्यु। क्या करता है? कंप्यूटर सर्विस करते हैं। इनकी सैलरी मंथली 40,000 रुपए है, 4,500 घर का भाड़ा, 6,000 के आसपास घर का खर्च, बाकी का पूरा बैंक में। दम दारू ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। सुनिए, अगर हम लोग भी ढूंढते तो इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। जल्दी से इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। मुझे लगता है हमारी बेटी को भी वो पसंद है। ये कैसी बात कर रही हो? लड़का अच्छा है या बुरा है ये देखना तो चाहिए ना। मैं ऐसा सोचती तो तुम दामाद नहीं बनते। दुश्मन कहीं भी नहीं, बगल में है। क्या मतलब इसका? थर्ड एम्पायर कहीं और नहीं, यहीं पर है। झटके मत मारो। मुझे तो पसंद है। अगर हम सिचुएशन को थोड़ा रिवाइंड करके देखें तो बंदे में स्टाइल तो बहुत है। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे घर आकर सारी बातें कर लेंगे। नंदिनी। अरे कहाँ कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो ना बताती हूँ। क्या दिखा रही हो तू? हाँ, आज मदर्स डे है। तुम्हारी माँ जैसे तुम्हारी देखभाल करती, ठीक उसी तरह मैं भी कोशिश करूंगी। थैंक यू। ये थैंक्स बैंक छोड़ो, चलो कम बैठ जाओ।
ये कॉफी कब बना ली तुमने? कुछ भी करूं तुम्हारी माँ की जगह नहीं दे सकती, मगर एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा बिल्कुल मत सोचना, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। एक्सीडेंटली मिले थे, अब हम शादी करने जा रहे हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था? नहीं। तो फिर मेरे पिताजी जब पूछ रहे थे खामोश क्यों थे? ताकि तुम मेरे जैसे लड़के को मिस ना कर दो। नॉट बैड। अंकल, आंटी की चेन। थैंक यू। गुड गर्ल। अच्छा बता, आंटी के गले से चेन गिरा वो तुमने कब देखा? आंटी हंस रही थी तो अच्छी दिख रही थी, इसीलिए मैं उन्हें देख रही थी, तभी चेन गिरी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? अभी तक तो नहीं, पर मुझे स्कूल जाना है और आईएएस बनना है। वेरी गुड। किसके साथ में आई हो तुम? माँ के साथ आई हूँ। ओह ठीक है, अंकल को एक पप्पी दोगी? ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत क्यूट है ना अंकल। अपना देश है, ये अपना देश है। लक्ष्मी, पार्वती, पापा, हे लक्ष्मी, इधर आओ, आजा बेटा, सब लोग हाथ जोड़ो, पापा आप भी हाथ जोड़ो, पूछो क्या हुआ? अपनी पार्वती को सीएवी स्कूल में सीट मिल गई है। ऐसी बात है? अभी मैं स्कूल से ही आ रहा हूँ। ऐसा क्या? इतना बड़ा स्कूल है, उसमें एडमिशन कैसे मिल गया? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। 51,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा? और सिर्फ 100 लोगों को सीट मिल पाई है। अपनी पार्वती उनमें से एक है। ये सब भगवान की कृपा है। मुझे शूज चाहिए। ठीक है, एक वाटर बॉटल मिल जाएगा, सब दिला देंगे। ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। पिताजी, क्यों जी, बड़ा स्कूल कह रहे, पैसे कितने भरने होंगे? डोनेशन और फीस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, यही कोई 1,20,000। 1,20,000 भरने होंगे? हम जो कमाते हैं वो पेट भरने और भाड़ा भरने में ही खर्चा हो जाता है। वो मुझे नहीं पता लक्ष्मी, अपनी बेटी को अपने जैसा नहीं बनाएंगे, बड़े स्कूल में पढ़ाई करेगी है। सेठ जी, मुझे बच्चे का स्कूल फीस भरना है, जरा सोच समझ के दे दीजिए। सर, न्यू एडमिशन है, सिर्फ 25,000 लेकर आया है, इतने कम पैसों में बच्ची का एडमिशन कैसे कर सकते हैं?
और बाकी पैसे? बाकी का मैं 15 दिनों में भर दूंगा सर। ये सब नहीं चलेगा, पता है स्कूल में सीट पाने के लिए 1.5 लाख वन टाइम पेमेंट करने के लिए बाहर बहुत लोग खड़े हैं। तुम्हारी बच्ची बहुत खुशनसीब है जो इस स्कूल में इसे सीट मिला। ये हम जानते हैं सर, तो अगर आप थोड़ी मेहरबानी करें तो। ठीक है ठीक है, एक तो बच्ची को साथ में लाया है। मूर्ति, इन्हें 15 दिन दे दीजिए, पैसे दिए तो ठीक है, नहीं तो बच्ची को घर भेज देंगे, समझ गए ना? सुनिए जी, बाकी की फीस हमें इन 3 दिनों में ही भरनी होगी। स्कूल से पार्वती के टीचर ने बुलावा भेजा है, मुझे इस बारे में बहुत चिंता हो रही है। अपना मिस्त्री मलिंगा है ना? हाँ हाँ। उसने 50,000 का चिट फंड भरा है, उसने मुझे कल घर बुलाया है और बोला है कि वो पैसे मुझे दे देगा, महीने महीने 5,000 देकर के कर्जा पूरा कर देंगे। 5,000 रुपए आप कैसे चुकाएंगे? भगवान है ना, जरा देख ले क्या। ठीक है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, मैं भी मलिंगा के पास जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा काम हो जाना चाहिए। रक्षा करना भगवान। मोबाइल कहाँ है? अरे मलिंगा का ही है। नमस्ते मलिंगा भाई, हम अभी आप ही की बात कर रहे थे, 100 साल जिएंगे आप। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक क्या हुआ बताइए ना। मलिंगा भाई ने बोला कि फंड चलाने वाले पैसा लेकर भाग गए, अब क्या करेंगे लक्ष्मी? हमने क्या पाप किया है जी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ए जी, अब फीस भरने के लिए सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं, कहीं दूसरी जगह पूछ कर देखिए। मोबाइल कहाँ है? ये लीजिए। नमस्ते सर, मैं चंदू, कारपेंटर चंदू सर। सर थोड़ा अर्जेंट वो पैसों की कुछ जरूरत थी, मेरी पहचान में जो लोग हैं उनके पास उतने नहीं हैं, बच्ची की फीस भरनी थी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर, मना मत कीजिएगा सर, हो जाएगा ना सर? ठीक है सर, मैं चलता हूँ लक्ष्मी। बाय, टाटा। सो जा पार्वती। कब तक आएंगे पापा? वो आ जाएंगे बेटी। परसों भी ऐसा ही बोले थे। आज पक्का आ जाएंगे वो। सो जा। A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P। क्यों जी, आप कहाँ गए थे? बच्ची सो रही है। कहा था पैसे लाने जा रहा हूँ, जब भी मैंने फोन किया कहा आ रहा हूँ मैं, आज 2 दिनों के बाद आ रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे आप? पैसा लाने गया था। हाँ? हो गया बंदोबस्त। अरे बाप रे, इतने पैसे कहाँ से मिले? कोई रास्ता नहीं था तो कुछ बेच कर आया हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? क्या हुआ बहू? ये पट्टी क्यों लगी हुई है इसे? पार्वती की फीस भरने के लिए ये अपनी किडनी बेच कर आए हैं पिताजी। हे भगवान, ये क्या किया चंदू? ये क्या किया? ये तूने क्या किया? ऐसा क्यों किया चंदू?
तेरे लिए मैं मर गया था क्या? एक बार तो मुझसे पूछ लेते, क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया तुमने बेटा, क्यों किया ऐसा? एक किडनी काफी होती है जीने के लिए, लेकिन अगर बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाया तो जीकर भी क्या करूंगा? तुम्हारा दिल कितना बड़ा है बेटा, तू मेरा बेटा है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है बेटा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ बेटा चंदू। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। मैडम, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि पार्वती को ऑफिस में लेकर आओ। पार्वती, इनके साथ जाओ। क्यों बेटी? आपके आने तक मुझे यहाँ बाहर बैठने के लिए कहा पापा। आपने पैसे भरे क्या? सर 30,000 लेकर आया हूँ। कितना बैलेंस है इनका? 95,000 सर। और बाकी पैसे? सर वो है या नहीं है? नहीं है सर। एडमिशन कराते वक्त क्या बोला था आपने? 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा मैं दे दूंगा, याद है ना? अब क्या मैं आपकी बेटी के लिए पैसे भरकर उसे पढ़ाऊं? ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, थोड़ा और समय दे दीजिए तो भर दूंगा। देखिए, महीने महीने पैसे भरने के लिए ये कोई टीवी फ्रिज का शोरूम दिखता है आपको? हाँ, ये स्कूल है। पैसे नहीं है तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने का सपना क्यों देख रहे हो? शहर में तुम जैसों के बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, इसे वहाँ पढ़ा सकते हो ना, हमें परेशान करने की क्या जरूरत? बच्ची सुन रही है सर, ऐसे मत बोलिए। सुनो, पैसे दो और पढ़ाई कराओ। मैं यहाँ का बॉस नहीं हूँ, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। अभी जो तुम पैसे लेकर आए हो वो डोनेशन के लिए भी कम है। इन 30 के अलावा 25,000 तो भरे हैं ना सर। मूर्ति सर, इन्हें पूरा डिटेल्स बताओ। हाँ सर, एडमिशन फीस के लिए 14,000 और ट्यूशन फीस के लिए 11,000 मिल चुके हैं। बाकी डोनेशन 50,000, कैंपस डेवलपमेंट 5,000, ट्रांसपोर्टेशन 14,000, बुक्स के लिए 5,000, यूनिफॉर्म 6,000, कंप्यूटर 8,000, इसके अलावा बिल्डिंग फंड 9,000 मिलाया तो टोटल 95,000 बाकी है। बिल्डिंग फंड मतलब? आते वक्त आपको नई बिल्डिंग बन रही है नहीं दिखी क्या? ये उसी के लिए है। सर, बिल्डिंग बनाने के लिए आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं? उससे आखिर पढ़ाई का क्या संबंध है सर? मजबूर समझकर सीट दे दिया तो तुम कुछ ज्यादा बोलने लगे। अब जब तक फीस नहीं भरोगे अपनी बेटी को लेकर मत आना। गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए सर। बस एक हफ्ता दे दीजिए, पूरी फीस भर दूंगा सर, सिर्फ एक हफ्ता। एक हफ्ते में भर दोगे ना? जी सर। तो तभी अपनी बेटी को लेकर आना, हम इसे रख लेंगे। अब जाओ यहाँ से। सर, इतने दिनों में बच्ची पढ़ाई में पीछे हो जाएगी। एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हे शिव स्वामी, इन लोगों को जरा बाहर निकालो। पड़ेंगे पापा, हमारे पास पैसे नहीं हुए तो? उन लोगों ने आपसे क्या क्या बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, वो सब बहुत बैड है पापा। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी पापा। Hey
रो रहे हैं, हमें हिम्मत देने वाले आप ही हैं। अगर आप ही टूट गए तो कैसे चलेगा? पार्वती का अगर स्कूल में नहीं हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे जी, आप रोइए मत। गवर्नमेंट स्कूल? लक्ष्मी, कल सुबह फिर जब स्कूल की वैन आएगी, सारे बच्चे उसके लिए भागेंगे। सब बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, स्कूल जाने के लिए खुश हो रहे होंगे। तब जब पार्वती तब पूछेगी कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा लक्ष्मी? क्या जवाब दूंगा? स्कूल जाना, नौकरी मिलना, अगर ये सब पैसे वालों के लिए है तो हम गरीबों के लिए क्या है? हाँ, हम तो वहीं के वहीं रह गए। पैसा है तो पढ़ाई है। लक्ष्मी, अपनी बच्ची प्रिंसिपल के कमरे से सर झुकाकर बाहर आई थी ना, तुमने देखा था कितनी उदास थी वो। हमारे सामने ही हमारी बच्ची का अपमान हुआ लक्ष्मी। जब पार्वती बड़ी होकर हमसे सवाल पूछेगी कि मुझे आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने अपना फर्ज ठीक से क्यों नहीं निभाया, तो हम क्या जवाब देंगे लक्ष्मी? बस हुआ लक्ष्मी, बस हुआ, अब सहन नहीं होता, हम हार गए लक्ष्मी। मुझे माफ कर देना। आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ गई हूँ, मगर पार्वती को अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊं? मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। बेटी सो जा, पार्वती, पार्वती। सर, मुझे 10,000 रुपये उधार दे दीजिए, चाहे तो आप उस पर ब्याज भी लगा लीजिए, मुझे मना मत कीजिएगा सर। क्या हुआ बेटा? आपसे बात करने का मन हो रहा था। हाँ बोलो बेटा। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? छोटा काम करता हूँ तो क्या, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी पे फक्र है। आपने सिखाया था, हम इस देश को माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस देश में हम जैसे गरीबों को जीने का कोई हक नहीं है पापा। इस हालत में आपको छोड़कर जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं पापा। अगला जन्म मिला तो मैं आपका ही बेटा बनना चाहूंगा। ऐसी बेकार बातें क्यों कर रहे हो बेटा चंदू? हमें माफ कर दीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा पापा। चंदू, चंदू, ऑटो, ऑटो।
बापरे। ये सब क्या हो गया चन्नू बेटा, ये तूने क्या किया, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। उस कुत्ते को देख रहे हो, पैदा हो तो गया लेकिन खाने का कोई ठिकाना नहीं था, लोगों का फेंका हुआ खाता था, कहीं छांव नजर आती थी तो सो जाता था। आज मर गया। पैदा होने और मरने के बीच कोई पूछे उसने क्या पाया, कुछ नहीं। कल इस कुत्ते को कोई याद भी नहीं करेगा, ऐसी है उसकी जिंदगी। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, मनुष्य का जो अवतार मिला है हमें उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। Proud of you. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे पूरे शहर में बदलाव आ जाएगा। ये सिर्फ हमारे शहर को ही नहीं, पूरे इंडिया को बताना होगा। इसका एक ही रास्ता है, मीडिया। एक बड़ा प्रेस मीट करके हमें सबको बताना होगा। लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरी प्रेस मीट में आएगा कौन? अभी एक VIP फ्रेंड है मेरा जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे यहाँ के एजुकेशन से वो भी बहुत परेशान है। अगर उसने तुम्हारा कॉन्सेप्ट सुना तो लाइव प्रेस मीट जरूर अरेंज करेगा। सबको मेरा नमस्कार।
मैं इस देश का एक सामान्य इंसान, आपके सामने बात करने के लायक भी नहीं, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है। 5 दिन पहले कारपेंटर का काम करने वाला चंदू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, मगर आज उसका परिवार जिंदा नहीं है। उसकी वजह इस देश का एजुकेशन सिस्टम। इस देश में 73% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करने आपके सामने आया हूं। हमारे देश की गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थिति है, उसमें क्या है क्या नहीं है, यह सोचा जाए तो उसमें जो होना चाहिए वो होता ही नहीं। नंबर 1 पे होती है फैकल्टी, बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक। अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है, मगर गवर्नमेंट स्कूल में आप अच्छे शिक्षक की उम्मीद ही नहीं कर सकते। 25% टीचर स्कूल में आते ही नहीं, और कुछ स्कूल्स में हेडमास्टर भी नहीं होते, और कुछ स्कूल्स में 25% टीचर्स के पोस्ट खाली ही रहते हैं। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक संस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश के बहुत से स्कूल्स में ढंग के क्लासरूम्स भी नहीं, अभी भी पेड़ के नीचे या सड़कों पे पढ़ाई होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में ब्लैक बोर्ड ना होने की वजह से दीवार पर लिखकर पढ़ाया जाता है। काफी स्कूल्स में बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, है भी तो काम नहीं करते। नंबर 3, क्लेनलीनेस। हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, और अगर है तो गंदे है। छोटे छोटे बच्चे दिन में 8 घंटे स्कूल में ही रहते हैं, अगर स्कूल साफ नहीं रहेगा तो बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे। नंबर 4, मोटिवेशन, प्रोत्साहित करना। तुमसे ये तो हो ही सकता है, ठीक से प्रोत्साहित करने से ना पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने का प्रयत्न कर सकता है। एनकरेज करने के लिए हमारे देश के टीचर में सब्र की कमी है। अपने देश में राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अनुसार 8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री, मगर क्वालिटी बड़ा क्वेश्चन मार्क। अभी तक कितने राजनेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए तो ना के बराबर, ऑलमोस्ट 0। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर यही हाल है तो कौन से माँ बाप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत करेंगे। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, प्राइवेट स्कूल में सभी फैसिलिटी होती है, मगर फीस फिर क्वेश्चन मार्क। डोनेशन, एडमिशन फीस, कैंपस डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, इन सारे फंड्स के नाम पर पेरेंट्स से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कमाई का आधा हिस्सा अगर बच्चों की फीस पे चला गया तो आधे पैसे से घर कैसे चलेगा, संसार की गति रुक जाएगी। इसी तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ताकत नहीं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा नहीं होगी तो बहुत से परिवार मर मर के जी रहे हैं। इस समस्या का एज अ कॉमन मैन मेरे पास सोल्यूशन है। देश के हर प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के सारे प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा, मगर ऐसा करने से प्राइवेट स्कूल ओनर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना उन्होंने खर्च किया है उतना गवर्नमेंट उन्हें चुका दे और स्कूल्स को अपने कब्जे में ले ले, या स्कूल्स को लीज पर ले ले। ये मुमकिन नहीं कहने वालों को बता दो कि रोड का जब एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन के लिए जो जमीन ली जाती है उस जमीन का पैसा गवर्नमेंट उन मालिकों को देती है, चाहे वो खेती की जमीन ही क्यों ना हो। अगर ये गलत नहीं है तो प्राइवेट स्कूल पर गवर्नमेंट का कब्जा भी गलत नहीं है, और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। कई फॉरेन कंट्रीज में ये चीज हो चुकी है। सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही सही विद्या मिलेगी ये नहीं चलेगा। ऑटो चलाने वाले का बच्चा हो या टाटा बिरला का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं होगा। जब ये सब होगा तो हमारा देश कैसा होगा पता है? पढ़ाई करने वालों की संख्या 100% हो जाएगी, चाइल्ड लेबर इंडिया से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कब हमारे देश के नेता लोग उसूल के साथ काम करेंगे? एक निरोगी समाज का निर्माण होगा। देशभक्ति की भावना हम में से हर एक इंडियन के दिल में उभर के आएगी। विद्या इस देश के बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनसे वो छीन कर उनका अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। मैं जानता हूं इस दुनिया में सिर्फ 2 पावर्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा मीडिया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस देश की जनता को बताइए, मेरे लिए नहीं, अपने देश के लिए। जय हिंद।
हमारे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक सामान्य इंसान जिसका नाम है अभिमन्यु, उसने देश के सभी मीडिया के सामने अपनी राय जाहिर की है। ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत देश में ये बात आग की तरह फैल गई है। इसके बारे में सामान्य जनता क्या कहना चाह रही है, आप खुद ही देख लीजिए। अभिमन्यु का पॉइंट एकदम वैलिड है। हम तो जैसे ही मई महीना खत्म होता है टेंशन में आ जाते हैं। अभिमन्यु की बातों को यूं तो सभी लोगों ने पसंद किया है, लेकिन इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। 10% से ब्याज से पैसा लेकर मेहनत से फूल बेचकर बच्चे को पढ़ा रही हूं। उनके कहे मुताबिक हुआ तो इंडिया 5 सालों में नंबर 1 हो जाएगा। सभी लोगों को शिक्षा, सभी लोगों को पढ़ाई आसानी से मिलनी चाहिए। वो लोग क्यों मारने आए थे उसकी वजह तो पता चल गई, अब आज ये लोग मुझे मारने आए इसकी क्या वजह हो सकती है? ए मवाली मलिंगा, मेरे बाप को तूने बॉम्ब से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुपा है रे तू, कहाँ छुपा है? ये बॉम्ब ब्लास्ट केस है, निकल लो यहाँ से। हाँ देखो वो जा रहा है, पकड़ो। पता नहीं यार और कितने लोग मुझे मारने आएंगे। आइए नारियल। इसका तो बैड लक ही खराब है। ये लोग यहाँ से आ रहे, लाइन में लग जाता हूँ लाइन में। नमस्कार, मैं आपका बोला दोस्तों, आपने पहचाना? आप आगे देखिए, इसी में छुप जाता हूँ। ए, पैर फैलाओ। अरे बाप रे, कीलों की चप्पल। क्यों, देखकर डर गए क्या? रखो। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। मन्नत मांगने में तो अच्छा लगता है, पूरी करने में डर लग रहा है। स्वामी जी, यहाँ मेरा काम हो गया, आप क्या भेजू क्या? हाँ भेज दो। अरे बाप रे, ये कैसी मन्नत है बाबा? आई पंडित जी, नीचे कीलों की चप्पल है, ऊपर से आप चाबुक मार रहे हैं, थोड़ा धीरे मारिए ना। अरे बाप रे। ए कुदली गोपाल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वहीं रुक। ए तू कहीं जाना मत। ए कुदली गोपाल, बाय। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, As President of the All India Private School Owners Association, I welcome you all. Today we have a situation in our hands. Who is this Abhimanyu? Kal tak ye kaun hai ye kisi ko bhi nahi pata tha. Magar aaj ke din, sara India usi ke baare mein baat kar raha hai. Government school mein ye galat hai, wo galat hai, ye bolne tak to theek tha. Lekin private schools ko nationalize kar do, ye bolne ka haq usse kisne diya? He is a citizen of India. Usse puchne ka haq hai. सिटी के प्राइम लोकेशन में मैंने बड़ी मुश्किल से 5 एकड़ जमीन खरीदी है और उसमें 2 बिल्डिंग्स बनवाई हैं। अगर उसकी बात मान ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किसी भी स्थिति में प्राइवेट स्कूल ओनर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हमने इन्वेस्ट किया है वो तो हमें गवर्नमेंट वापस दे रही है, तो ये हमारे फेवर में है ना? अगर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो आज का जो मार्केट रेट है वो हमें मिलेगा क्या? गवर्नमेंट वैल्यू ही मिलेगी। 75 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। 1940 में मेरे दादाजी ने इसकी स्थापना की थी, 65 में मेरे पिताजी ने इसकी जिम्मेदारी ली, 87 में मैंने इसे टेक ओवर करके आगे बढ़ाया। आगे मेरा बेटा इसे संभालेगा। इसे लीज पर दिया या गवर्नमेंट को सौंप दिया तो हमारे बिजनेस का क्या? वो भी तो यही कह रहा है ना, एडुकेशन को बिजनेस मत बनाओ, ये सब वर्कआउट नहीं होगा। क्या है? रेती सीमेंट छड़ वड़ सब लेकर आ गया हूँ, कहाँ रखने का है बताओ? उसे गटर में डाल या अभिमन्यु के घर लेकर जा, वैसे भी वो हमारी समाधि बना रहा है। फोन रख। यहाँ सर से छत हटने वाली है और उसे रेती सीमेंट की पड़ी है। ओ जी ठीक है, ठीक है। ठीक है क्या? इसे तो हर बात ठीक ही लगती है। हम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? एक जोकर अगर प्रेस मीट में कुछ कहता है तो वैसा हो जाएगा क्या? उसे ऑल इंडिया से स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की पावर का पता है आपको? उन्होंने ठान लिया तो जो चाहेंगे वही करेंगे। इसके बारे में दिल्ली में एक मिनिस्टर पॉजिटिव बातें कर रहा है, इतना काफी नहीं है क्या? सर, अपने फीस स्ट्रक्चर को
हम बैलेंस कर लेंगे। तो फिर इस मीटिंग का क्या फायदा, कुछ भी बोलते हैं। अरे आपको क्या लगता है ये हो सकता है क्या? तो मतलब क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब एडजस्टमेंट होता है। ये प्रॉब्लम जो आज इतनी बड़ी हो गई है, इसकी एक ही वजह है, मीडिया। उन्हें खुश करने के लिए जो करना है, अगर हमने वो कर दिया तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बस यही बाकी था, रिश्वत देते हुए टीवी पर दिखा दिया ना तो सबको जेल जाना पड़ेगा। ए, क्या है रे? सॉरी मामा। क्या फैसला किया? मीटिंग चल रही है मामा। मीटिंग खत्म होते ही फोन कर। ओके मामा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कॉल करता हूँ। मेरे मामा एमएलए बन गए हैं, पूछ रहे हैं क्या फैसला लिया है। वो ये सब क्यों पूछ रहे हैं पता है? अभी अभी उन्होंने 4 स्कूल बनाए, वो भी हमारी तरह फंसे हुए हैं। Idiot. मुझे गाली दी तो आपको खुशी हो रही है? अपनी सरकार ने पहले से ही गरीब लोगों को 25% रिजर्वेशन दे रखा है, बाकी की 75% सीट्स पर अगर अभिमन्यु टांग अड़ाएगा तो कैसे काम चलेगा? फॉरेन कंट्री को एग्जाम्पल मानकर हमने शिक्षा को बिजनेस बनाया है, यही कह रहा है ना वो? अरे आप उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। इतनी देर से उसी के सपोर्ट में बोले जा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब, हम तो बहुत छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं, लेकिन आप लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कई सारे स्कूल चलाते हैं। आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप जो कहेंगे वो हमें मंजूर होगा। जरूरी ये है कि हमारा देश अच्छे से चलना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इतना ही काफी है। क्या है सर, सभी लोग उसी अभिमन्यु को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? We should do something, sir. Do you know विक्रम ठाकुर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। ये है मिस्टर रामनाथ, कर्नाटक में लगभग 10-15 स्कूल चला रहे हैं ये, और ये हैं। हम जानते हैं, इनका नाम कोटेश्वर राव है। करनूल में इनका 10 स्कूल है, कड़प्पा में 2 बड़ा ग्रेनाइट फैक्ट्री है, सही है ना? और ये है मुरली, इनका चेन्नई में 20 स्कूल और 50 पेट्रोल पंप है, साथ में बेंज कार का शोरूम भी है। इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, होमवर्क चाहिए, होमवर्क। तुम सभी लोग एक बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए हो, और उसका कारण कौन है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसा आप लोग सोच रहे हो, अगर वैसा ही हो गया ना तो आप लोगों को बहुत नुकसान होगा, लगभग 25 करोड़ रुपया का। जितना करोड़ खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप इसका कोई सलूशन जरूर बताइए। एकरा खातिर सलूशन ढूंढना इतना आसान नहीं है, उसे खाली मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है। उसके बारे में मीडिया बहुत बात कर रही है, उसे कम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? अब ई काम हम पर छोड़ दीजिए। ये है एशिया नेट न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति, आप देख रहे हैं सुवर्णा न्यूज। शिक्षण सचिव श्री राधा सोम शेखर जी के सहयोगी हैं मिस्टर श्रीनिवास जी, और आज उनके फार्म हाउस में श्रीनिवास जी की लाश मिली है, जो अनजान गुंडों की गोली का शिकार हो गए। अभी अभी समाचार मिला है कि आज शाम को 6 बजे बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई ऐसे बड़े महानगरों में अनजान लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया है। बड़का दुर्घटना है, एकरा में बहुत लोग मर गए। पता नहीं किसने एक ही टाइम पे 4 जगह बम फोड़ दिया। ये आप लोगन खातिर किया? हाँ, ये आपने करवाया? ऐसे कहाँ देख रहे हैं, लाइन को जब छोटी करनी होती है तो उसके बगल में बड़का लाइन खींच देते हैं। अब एकरा बाद अभिमन्यु के बारे में प्रेस, मीडिया, पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी। अरे आप लोग भी तो यह चाहते थे ना? ये क्या कह रहे हैं मिस्टर विक्रम, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट? हम नहीं करवाया है। नहीं नहीं, हम सब ने मिलकर करवाया है। अभिमन्यु को अब सब भूल जाएगा, अब से लेकर 10-15 दिन तक बॉम्ब ब्लास्ट का ही न्यूज होगा।
उसके बारे में ही डिस्कशन चलेगा, समझ गए ना? आज शाम 7 बजे टीवी देखिएगा अभिमन्यु स्पेशल। हाँ, हाल ही में हुई श्रीनिवासन हत्या के मामले में विद्या शिक्षण संस्था को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ऐसी आवाज उठाने वाले अभिमन्यु का हाथ है ऐसा शक किया जा रहा है, इसीलिए उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करने की संभावना है। श्रीनिवासन हत्या केस में अभिमन्यु का हाथ पाया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां हत्या हुई उस जगह पर आप मौजूद थे, ये सीसीटीवी फुटेज में पता चला, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मिनिस्टर के पीएस श्रीनिवास जी ने मुझे एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। वहां जाने के बाद मुझसे कहा गया था कि एक हफ्ते बाद बात करेंगे, बस इतना ही जानता हूँ। अगर आरोपी को छोड़ दिया गया तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत आरोपी को कैद करके रखने का आदेश दे रही है। Accused is remanded. सच में गलती की होती तो शायद बाहर आ भी जाता, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से होता, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। प्लान के तहत मुझे फंसाया गया है, कह नहीं सकता कि मैं बाहर आ पाऊंगा कि नहीं। शत्रु कौन है ये पता होता तो लड़ भी लेता, वो भी नहीं पता। ऐसे हालात में नंदिनी से कैसे कहूं कि वो मेरा इंतजार करे? इनकी जगह मैं लड़की का बाप होता तो साफ इनकार कर देता, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढता। इन्हें भी यही करना चाहिए। दामाद जी, आप ऐसा सर, माफ कीजिए प्लीज। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसे परिवार में मुझ जैसा इंसान, मुझे माफ कर दीजिए, गलत मत समझिए। नंदिनी, मुझे भूल जाओ। दिल की गहराई से प्यार करके अब मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, यही सोच रही हूं ना? जब राह पता नहीं हो और रास्ते में अंधेरा हो तो रुक जाना चाहिए। तुम मेरे लिए त्याग करो, मैं तुम्हारे लिए त्याग करूं, ये सब नहीं होना चाहिए प्लीज। इंसान का जन्म भगवान का दिया हुआ वरदान है, उस वरदान को जाया नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों में तुम मुझे भूल जाओगी और आगे बढ़ जाओगी, मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. नंदिनी, मुझे भूल जाओ। सब कुछ अरेंज हो गया सर, कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा, मैनेज हो जाएगा, चलता हूँ सर। अरे ये क्या, भगवान जैसे आदमी को जेल में डाल दिया? ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने? टीवी में देखा था बॉस, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। ये क्या, आपको भी अंदर कर दिया बॉस? भाई कौन है ये, तू पागल है क्या? कौन है पूछ रहा है? इन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई है। बॉस जरा संभल के रहिएगा, भगवान आपका भला करे। भाई आप जैसा चाहते हो अगर वैसा हुआ तो यकीन मानो मेरी तरह मेरा बेटा कभी जेल में नहीं आएगा। आज मेरी ऐसी हालत गुदली गोपाल की वजह से, अगर मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूं मैं। ए, यहां किसे देखकर तू पोज दे रहा है? चल नीचे उतर, चल। बचाओ 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 बचाओ। जेल के गेट के सामने कद्दू काट कर कौन बेवकूफ इस महीने विजयदशमी का त्योहार मना रहा है? आज हमारा भाई रिलीज हो रहा है इसीलिए। वो कौन सा भाई है भाई? सर इसकी वजह से मेरी आज ऐसी हालत हुई है सर, एक बार छोड़ दीजिए, मैं इसे अपना दातून बनाऊंगा।
आप मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं अपने हाथों से उसका गला काट कराना चाहता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो मुझे पूरी जिंदगी जेल के अंदर रख सकते हैं। तो रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो सर? सर सर मास्टर मास्टर आप भी इसी जेल में हैं? मास्टर मैंने ये सोच रखा था कि मैं उसकी हालत खराब करूंगा जब मैं अंदर आऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया वो यहाँ से बाहर जाता हुआ नजर आया। मास्टर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आप मुझे ट्रेन कीजिए, ढेर सारा वजन लेकर पीठ पर रखकर मुझे भागने का ऑर्डर दीजिए, मैं भागते भागते जेल से बाहर निकल जाऊंगा। मास्टर मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। उधर देखो, वहाँ जो खाकी यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है ना, कौन वो वॉचमैन? उसे जाकर 101 रुपया दे दो, वो तुम्हें बाहर भेज दे। सच? उस गुदली गोपाल को उन्होंने ही बाहर भेजा था। है? जाओ और वो काम करो। मैं अभी बात करता। हे वॉचमैन, क्या तुम मुझसे 101 रुपए लेकर यहाँ से बाहर छोड़ दोगे? तुमसे किसने कहा? तुम्हें क्या, फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो करोगे? गुदली गोपाल को तुमने 101 रुपए लेकर बाहर छोड़ा था, मैं तुम्हें उससे 1 रुपए बढ़ा कर दूंगा, मैं दिलदार हूँ। छोड़ो ना, छोड़ भी दो। हे छोड़ भी दो, छोड़ो मुझे। बोलो। ए, चल भाई के साथ पंजा लड़ा। नहीं। ए, भाई ने जो कहा वो सुनने का। ये लीजिए भाई जी। ए, क्या हो रहा है वहां पर? चलो अपना अपना काम करो, वो ठीक हो चुका है। ए, बहुत हो गई हीरोगिरी, जा और किचन में अपना काम खत्म कर। तुझे प्याज के जैसा काटूंगा और टमाटर के जैसा मसल दूंगा, और ये उसी प्याज और टमाटर से तेरी चटनी बनाकर रख देगा। कान तो गया। बैठा हुआ था, बेकार छेड़ा तो करंट लगा ना, क्या जरूरत थी?
आप यहाँ क्यों आए? तुमने जो कहा था उस बारे में मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल सही लगी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर दी। पहला कार्ड तुमको दूं, इस बात के लिए जिद करके मेरी बेटी अपने साथ मुझे यहाँ लेकर आ गई। तुम्हें इस हालत में भी देखना पड़ेगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे मैं शादी करने जा रही हूं वो मुझे अच्छे से जानता है, वो अच्छा इंसान है, डिग्री होल्डर है, पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा थी उसकी, कमांडो की ट्रेनिंग भी पूरी की है उसने। रिश्वत देकर वो जॉब नहीं पाना चाहता, इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये काम करने के अलावा वो बच्चों को फ्री में कराटे भी सिखाता है। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। ऐसे इंसान को भूलकर मैं कैसे खुशी से जी सकती हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब तुमने मुझे खुद को भूलने को कहा तब मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द पढ़ लिया था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या कहते हो, कोर्ट परमिशन, फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी हैं, अभी ये शादी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कल तुम अगर चाहो भी तो मुझसे नहीं मिल पाओगे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं, अभिमन्यु को खत्म करना आसान नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होगा, सही मौका मिलते ही काम पूरा हो जाएगा। भाई क्यों रे, शाना बनता है? मैंने क्या किया? जो काम बोला था वो क्यों नहीं किया? भाई कल ही तो सारी झाड़ू मारकर पानी से धोकर वहाँ रंगोली बनाई थी। बेवकूफ, जा अभी एक गिलास में नींबू का शरबत लेके आ। ए चल हट रे, चिंपांजी की औलाद। नहीं, इस जेल में नींबू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। मुझे ना बोलने की हिम्मत करता है? मुझे नींबू शरबत चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं लाया तो तेरी टांगे तोड़ कर उसका सूप बना के पी जाऊंगा। नहीं है तो कहाँ से लाऊं? मेरे को ना बोलता है तेरी तो। नींबू ढूंढ रहा और मिर्ची मिल रही, क्या हो रहा है यहाँ? नींबू मिल गया, हे भगवान। अरे बाप रे, उंगली। अरे हे बीमार मुर्गे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो चिंपैंजी की औलाद है ना, मुझे उसके लिए नींबू का शरबत लेकर जाना है। अगर मैं उसके लिए नींबू शरबत नहीं लेकर गया तो वो मेरा गला काट कर मेरा खून पी जाएगा। यही है तुम्हारी टेंशन? हाँ हाँ। तो फिर तुम ये नींबू ले लो, इसमें से रस निकाल लो और इसे वापस यही रख दो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। अरे इतना गाढ़ा क्यों निकल रहा? ये ले भाई, वापस फिट कर ले। चिंपैंजी की औलाद, ले पी ले शरबत। पी गया। बहुत अच्छा। थैंक्स। सोडा और विस्की दोनों को मिक्स किया तो जो टेस्ट आता है वैसा ही था। अपनी उंगली से जादू दिखाने वाले बहुत बड़े कलाकार हो तुम। नहीं? मुझे ही पता है कि मेरी उंगलियों ने क्या जादू किया था। बहुत मजा आया, एक और लेके आ। सेम टेस्ट होना चाहिए, जा जाके ले आ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कह रहा हूँ ना, नहीं हो सकता। होगा, मैं बताता हूँ। तू बार क्यों आया रे? एक ही उंगली थी, उसमें एक नींबू था। जितना रस था उसमें से निकाल कर ले लिया, अब दूसरा कहाँ से लाएगा? टेस्टी था ना?
आते 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 क्या हो गया सर? सीबीआई वाले आए हैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं सर। सर, अभिमन्यु बेसिकली बहुत ही एबनॉर्मल है। दो दिन पहले उसने एक कैदी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। मैंने पूछा क्यों मारा है तो उसने मुझ पर ही हाथ उठा दिया सर। वो वाकई एबनॉर्मल है सर। कोई और रास्ता ही नहीं था, इसीलिए मजबूरन हमें उसे अलग बैरक में रखना पड़ा। 12 तारीख की रात को अचानक से कैदियों में से कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा सर। उधर जाकर देखा तो कैदी लोग हमारे हेड कांस्टेबल को मारकर उसके पास से चाबी लेकर सभी सेल्स को ओपन कर रहे थे सर। बहुत हंगामा हुआ था सर। फिर कमिश्नर को मैंने फोन किया, उन्होंने मुझे फायरिंग का ऑर्डर दिया, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी सर। बांध कर रखा था इसलिए अभिमन्यु को भागने का मौका नहीं मिला सर। अभी जो मैंने आपको बताया उसका स्टेटमेंट बनाकर कमिश्नर के ऑफिस में भेज दिया है, ये रही उसकी कॉपी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। पढ़े लिखे होते तब तो कुछ समझ पाते। मुहूर्त कितने बजे का है? आज रात 8:30 बजे का। झगड़ा शुरू हुआ, स्टोर रूम को आग लगा दी गई, दो कांस्टेबल को मार दिया, 4 कैदी लोगों को भी बहुत मारा। सब प्लान के हिसाब से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा एपिसोड बैलेंस है। एविडेंस ना मिले इसीलिए तुझे पेट्रोल डालकर जलाने वाले थे। माँ, आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
मगर आज मैं आपके सामने एक नया इंसान बनकर आया हूँ माँ। पहले भी मैं कई बार जेल जा चुका हूँ। जेल में कई कैदी रहते हैं और वो सभी कैदी कोई ना कोई गलती करके ही वहाँ आते हैं, मगर उनमें एक कैदी था जो सिर्फ देश की सलामती चाहता है, उसकी अच्छाई चाहता है। पता नहीं उस बेचारे को क्यों जेल में डाल दिया। वहाँ उसकी हत्या करने की भी कोशिश की गई। मैं उस कैदी को दूर से ही वॉच करता रहा। एक इंसान को कैसे जीना चाहिए मैंने उससे ही सीखा है माँ। तब मैंने सोचा हमारे जैसे 100 साल जीने से अच्छा है कि उसके जैसा सिर्फ एक दिन जिया जाए। इसीलिए अपने इतने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने उसे बचाया। वो जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसमें मुझसे जो कुछ भी बन पड़े, जितना भी बन पड़े, मैं वो करने को तैयार हूं माँ। माँ, तुम्हारे इस बेटे की इस नई जिंदगी की वजह वही इंसान है माँ। इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए तुम जो कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए हो उसे सबने बहुत पसंद किया है। जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। हर एक प्राइवेट स्कूल का ओनर करोड़ों रुपए के नुकसान के डर से सहमा हुआ था और इसी वजह से तुम उन सब के दुश्मन बन गए। वो नहीं चाहते थे कि तुम जिंदा रहो, इसलिए तुम्हें जेल में डाल दिया गया। तुम्हें खत्म करने की कोशिश की गई। प्लान बनाया था विक्रम ठाकुर ने और उस प्लान को अंजाम देने वाले थे प्राइवेट स्कूल ओनर्स। पवन, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। श्रुति राज, स्टडिंग मैनेजमेंट इन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। संजय, न्यूकासल यूनिवर्सिटी। त्रिनेत्रु, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संध्या, studying BBS in Imperial College of London. Bharat, University of Edinburgh. मैं जो कहता हूँ वो तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने तुम लोगों को किडनैप क्यों किया है ये वक्त आने पर बता दूंगा, बट डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। अगर मेरी हर बात को सुनोगे यू विल बी सेफ। रिलैक्स। उसने हम सबको टारगेट किया है तो उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वालों में से ही किसी ना किसी से लिंक होगा। सिमरन, हाँ? You talk to your dad. मैं नजर रखता हूँ, कोई आएगा तो बता दूंगा। Excuse me, sir. Phone. Daddy, मैं सिमरन बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटी? मुझे और मेरे फ्रेंड्स को किडनैप करके किसी ने रूम में बंद किया हुआ है। What are you saying? किडनैप हुए सारे बच्चों के फादर्स भी आप ही की तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं डैडी। There is something connected to education. सात लोग हैं का? कंफर्म नहीं बोल सकता। सिमरन का फोन आया है और वो कह रही है कि उसने Do something. सेंट्रल जेल में फोन लगाइए। हाँ। कैदी नंबर 23 अभिमन्यु का फोटो जल्दी से स्कैन करके मंगाइए। हेलो, और किसी को बताया का? नहीं। अभी तुम्हारी बेटी लाइन पर है? यस। उसका ईमेल आईडी का है? व्हाट्स योर ईमेल आईडी? simran21@gmail.com। simran21@gmail.com। फोटो आया का? देखो तो। फोटो आ चुका है सर। इस मेल आईडी पर फोटो भेजो। ओके सर। बिटिया को मेल चेक करने को बोलो। चेक योर मेल। Yes, Dad. He's the one. Now listen.
Do something for me. Oh God, no, 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 no. विक्रम जी, कौन है वो? अभिमन्यु. अभिमन्यु? का भाई, बहुत दिन बाद फोन किए, का बात है? मुझे पूरा विश्वास है, जो बात मैं आपको बताऊंगा उससे आप खुश हो जाएंगे. एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर यू. जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है. गुड. वो कितने लोग हैं? 7 लोग. नॉर्थ वेस्ट लंदन में तुम्हारे गेस्ट हाउस में उन्हें सेफली रखा गया है. सही वक्त पर तूने सब कुछ बता दिया. तुम्हें जो मिलना है वो तुमको जरूर मिलेगा. थैंक यू. 212 कॉल इनिशिएटेड. नॉर्थ ईस्ट लंदन, यूके. क्या तुम अपने मामा की बेटी की शादी में अपने गांव जाने वाली हो? आई लव यू. फिर वापस कब आ रही हो? आई लव यू. थोड़ा संभल कर जाना. आई लव यू. आई लव यू टू. ओके ओके. तुम कब वापस आ रहे हो? जब तुम कहो. आज ही, अभी. लगता है मेरी बीवी को मुझे किस करने की बहुत इच्छा हो रही है. चुप बैठो, शर्म आ रही है मुझे. बाद में बात करता हूं. What happened? Some people came in and kidnapped everyone. What? स्टूडेंट्स को मैंने कहां पर छुपाया है? ये हम दोनों के अलावा किसी को पता है क्या? नहीं पता. जब उस दिन मैंने फोन किया था तब तुमने फोन का स्पीकर ऑन रखा था क्या? हाँ, क्यों? उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था? मेरा पीए जॉर्ज. इस वक्त वो कहां है? पर्सनल काम से मुंबई गया है. वो कितने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहा है? करीब 3 साल से. और उससे पहले? विक्रम ठाकुर के पास कई सालों तक काम किया, ऐसा उसने बताया था. विक्रम ठाकुर, देखो मुझे गलत मत समझना. आई हैव माय ओन डाउट्स. जॉर्ज के फोन को टैप करो, उसके बाद मुझे लंदन में हेल्प चाहिए होगी. कोई हैकर अरेंज कर पाओगे क्या? ओके, अरेंज करता हूँ, बट बी केयरफुल. स्टूडेंट्स की जिंदगी बहुत जरूरी है. तुम उनकी फिक्र मत करो, उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा. इट्स माय प्रॉमिस. Hello, sir. The students are in my custody. So what's next? I will call you back soon. Be careful. Okay, no problem. Thank you. Super matter. हमारे साथ काम करके तूने वफादारी दिखाया. तुम्हारा शेयर तुमको मिल जाएगा. बच्चे लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो 300 करोड़ दो. पैसे कहाँ भेजने इसकी डिटेल मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. तुम्हारा अपना अभिमन्यु. करो राजा, करो करो. अभिमन्यु 300 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहा है. हम जो कर रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिए. उससे पैसा नहीं देंगे, बच्चा लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी. आप लोग इतना सोच कह रहे हैं? अगर बच्चों से ज्यादा प्यारा पैसा है तो पैसा हम दे देते हैं. वी हैव टू रेज द मनी. अभिमन्यु, आपके बारे में मैं जानता हूं, प्लीज सिट डाउन. मुझे ठीक 11 बजे इस एड्रेस के सैटेलाइट का लाइव फुटेज चाहिए. डेटा सेंटर से हैक करके दो. वो लोग कहां जा रहे? वो लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा रहे हैं. वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे तो वो कहां है जानना मुश्किल होगा. अभी से ठीक 5 मिनट पहले, ठीक 11 बजे टाइम शिफ्ट टेक्नोलॉजी यूज करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? श्योर.
Can I get the van number? Van number PA7598. उस वैन का ओनर है मिस्टर शिवा. यस, नंबर 19 लेविस रोड. Who's this? Can I speak to Shiva, please? Please come. Just one minute, I'll call him. All right. जब मैं उसे चेस कर रहा था तब वो किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था. इस फोन का लास्ट डायल नंबर अगर तुम निकाल सको, आई कैन इजीली पिन हिम डाउन. मरने से पहले उसने जिस नंबर पे फोन किया था वो यही है, और ये रहा उसका मोबाइल फोन. इट्स इन वर्किंग कंडीशन. इससे पूरी कुंडली निकाल लूंगा. हाय शिवा. हाय माइकल. व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस? आई हैव अ सोर थ्रोट. आरंट यू कमिंग? वेयर? What the hell? Don't you know the plan today? Yeah. Okay, tell me, where are you right now? I'm in the hotel basement Ion. I'll be leaving in half an hour. Catch you later. अभी वो Ion restaurant के basement में. मुझे फौरन वहाँ जाना होगा. और I'm a Mr. Lead. उसके बाद मुझे satellite का support चाहिए. I mean, live streaming. Yeah, sure. अगर उसका mobile on रहा, then I can follow him through satellite. Keep this transmitter. अगर हो सके तो उसके car में लगा देना. I can see him. मुझे ऐसा लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है. डू वन थिंग, तुम उसे ट्रैक करके मुझे गाइड करो. मैं उसे 1 किलोमीटर के फासले से ही फॉलो करूंगा. ये बताओ अब मैं उसे कितना दूर हूं? He is in southbound of Ammon Highway, near junction of Sikh, moving towards Wembley, and you're exactly 1.5 kilometers behind him. All right. Sir, Luton के पास एक गैस स्टेशन पर ये कार जाकर रुक गई. Okay. Hi, where are you? I'll be there in 15 minutes. Okay, no problem. Shiva came there. Shiva is dead. Impossible. I spoke to him 30 minutes ago. He called me. Not sure? Yeah, of course I'm sure. He died yesterday, you idiot. Okay. आप जहाँ पर हैं उससे 500 मीटर की दूरी पर उसने अपनी कार पार्क की है. Okay. He's there. तुम 5 मिनट के लिए ही रुको, मैं भी आऊंगा. What next? वो कार में किसी के साथ बात कर रहा था क्या? हाँ, वो किसी से कह रहा था कि वो 15 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा. Okay,
100 किलोमीटर पर आवर 50-25 ओके यहाँ से 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई अनयूजेबल जगह है तो जरा देखो ओके हेलो यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर दूर एक जंकयार्ड है दैट माइट बी द प्लेस ओके गाइड मी द रूट कम
चलो शूट करो, इतने लोगों को तो मार ही चुके हो, हमें भी मार दो। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए। चलाओ गोली। What's happening? पहले आप किडनैप करते हैं, फिर ये लोग, फिर से आप। कौन है आप? आप क्या चाहते हैं? ये सब पैसों के लिए कर रहा है। शर्म नहीं आती? पैसों के लिए अपने जमीर को बेच दिया। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? कितने चाहिए बताओ, मैं अपने पापा को फोन करके मंगा लेती हूँ। इंडियन हो और टेररिस्ट जैसा काम कर रहे हो, इस तरह से पैसे कमा कर तुम खाना कैसे खा सकते हो? तुम टेररिस्ट क्यों बने? Yes! I am a terrorist. देश में हर प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करना है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने आपको टेररिस्ट कह के बुलाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच कहता हूँ सर, यू आर अ ट्रू इंडियन। मुझे आप पे गर्व है सर। हमारे देश के गरीब स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर। वी आर विद यू सर। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना होगा सर? आपसे ये सपना सिर्फ आपका नहीं है सर, हम सबका है, एवरी इंडियन सिटीजन का सर। इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला लड़ता रहा, अभी मेरी ताकत बढ़ गई है क्योंकि तुम लोग मिले हो। जीत सिर्फ हमारी ही होगी। जय हिंद। हाय डैडी, इट्स मी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ। पर कहाँ पर हो तुम लोग? एयरपोर्ट के पास ही एक गेस्ट हाउस से बात कर रहा हूँ पापा। कब आ रहे हो बेटा? बहुत ही जल्द आ रहे हैं पापा। वहाँ से कैसे भागे? हम भागे नहीं पापा, हम उसी के साथ आ रहे हैं। किसके साथ? अभिमन्यु, आई नो कि आपकी शादी हो चुकी है और मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, बट आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। Sit down. Sit down. मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, बट एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड देखा है। तुम्हारे अंदर मेरे लिए जो फीलिंग्स हैं वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे काम की वजह से है। तुम्हें मेरी कुछ क्वालिटीज अच्छी लगी जिसके लिए हम दोस्त बन सकते हैं, ये पॉजिटिव है। तुम जहां भी रहो, जब भी चाहो, आई बी देयर फॉर यू। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। I'm sorry, sir. A guy kidnapped the students. He looks like an Indian. जी, हमारे बच्चों को किडनैप करके अभिमन्यु उनके साथ इंडिया आ रहा है। मेरी बेटी ने फोन करके मुझे बताया। आप सच बोल रहे हैं का? सच बोल रहा हूँ। वो आ रहा है, स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है, पेरेंट्स से मिलवा देगा, सब मिल जाएंगे और वो अच्छा बन जाएगा, लेकिन आप बर्बाद हो जाइएगा। वो लोग अभिमन्यु से बचने के लिए आपके पास आए थे आस्किंग हेल्प, आपने क्या किया? हियां ब्लास्ट, हुआ ब्लास्ट करके बहुतों को मरवा दिया। आप एकदम बेवकूफ है। आप पैसा करेंगे कोई सपने में भी नहीं सोचा था। अगर वो लोग गलती से भी मुंह खोल दिए ना तो आप खलास। हाँ, अगर अभिमन्यु खत्म हो गया तो आप बिल्कुल सेफ। अभिमन्यु का जितना भी रिश्तेदार है सबको पकड़ कर ले आओ। सर, सिंगापुर से आपके लिए फोन आया। हाँ।
हेलो हेलो, ध्यान से सुनो, स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से सीधा हमारे पास लेकर आ जाना। नहीं लाए तो? अभी अभी क्या हुआ तुम्हें? इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचा लो, अभी जल्दी आ जाओ। जगहवा तो पता है ना? विक्रम ठाकुर, स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये नहीं बताएगा, बहुत गुस्सा में है। तुम जाके उन लोगों को ढूंढो। तुम वो स्टूडेंट्स के खातिर 300 करोड़ रुपया मांगोगे, पेरेंट्स दे देंगे। जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तब हमारे आदमी स्टूडेंट्स को मार देगा और हम तुमको गुस्सा में मार देंगे, और उसके बाद वो 300 करोड़ सीक्रेटली ट्रांसफर हो जाएगा हमारे अकाउंट में। गेम फिनिश। बेगुनाहों को बम ब्लास्ट करके उड़ाया, ये उसके बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद किया है, ये उसके
देश के साथ जो तूने गद्दारी की ये उसके लिए। विक्रम ठाकुर और अभिमन्यु के झगड़े में विक्रम ठाकुर की मौत हो गई और अनफॉर्चुनेटली वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें वैन के चिथड़े उड़ गए। उस वैन में और कोई नहीं, हमारे और आपके बच्चे थे। मगर अभिमन्यु बच गया। से मार दिया ना तूने? हमारे ऊपर का गुस्सा हमारे बच्चों की बलि चढ़ाकर उतारा तूने? अगर तू अभी हमसे 100 करोड़ भी मांगेगा ना तो अभी हम तुझे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या तू हमारे बच्चे हमें लौटा सकता है? बोल बोल कमीने। तुम्हारे मुझसे यही बात सुनने का मुझे इंतजार था। 100 करोड़ दोगे अपने बेटे को वापस लाने के? मैं भी वही कह रहा हूं। इस देश में फीस नहीं भर पाने के कारण अपनी जान देने वाले परिवार, मैं वही 100 करोड़ तुम्हें देता हूं। क्या तुम उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हो? सबकी जान एक जैसी होती है, उसकी इज्जत करना सीखो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। आज अपने बच्चों की जान गई तो मरने मारने पर उतारू हो गए, कलेजा फट गया है ना, आंखों से आंसू बहने लगे। ऊंचे महलों में रहकर नीचे रहने वाले गरीबों का दर्द महसूस नहीं कर पाते, अब लगी कलेजे पे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे मेरा आदमी वहां आ जाएगा, तभी तुम सब उसमें शिफ्ट हो जाना। ओके, गुड लक। डैडी वहीं रुक जाइए, आप गलत सोच रहे हैं। इन्होंने हमें पैसों के लिए किडनैप नहीं किया था, हमें इसीलिए किडनैप किया ताकि आप लोगों को एक बात समझा सके। आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से, और आज भी आप इन्हें ही चोट पहुंचा रहे हैं। मेरे पापा इंडिया में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसा सोचकर मैं हमेशा प्राउड फील करता था, लेकिन आज मुझे घृणा हो रही है। मेरे लिए इतना खर्च करके लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो ये सोच के मैं बहुत प्राउड फील करता था, लेकिन जब पता चला कि यहां इंडिया में बच्चों के पेरेंट्स को भूखा मार कर आप उनसे फीस लेकर मुझे बाहर पढ़ा रहे हैं तो मैं अपनी नजरों में गिर गया पापा। आपकी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके डिग्री ले, ऐसी आपकी इच्छा है? चलो वहाँ तक ना सही, एटलीस्ट 10वीं तक अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना क्या ये लोग नहीं देख सकते? इन बच्चों ने कौन सा पाप किया है पापा? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जैसे डिवाइड करते हैं, ये कोई रेलवे का कंपार्टमेंट नहीं है पापा। हम जिस भगवान को मानते हैं कृष्णा और सुदामा की तरह, हमें एक ही गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, मगर आपके हिसाब से अमीर बच्चों के लिए कॉन्वेंट है और गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल। इन मासूम बच्चों में आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? पटाखों की फैक्ट्री में होने वाली दुर्घटनाओं में बेचारे मासूम से बेकसूर बच्चे मारे जाते हैं, उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलता तो क्या वो इस तरह वहाँ काम करते पापा? इनकी एक ही इच्छा है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिले, और आप लोग इसे गलत कह रहे हैं। ब्याज पे पैसे लेकर कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया होगा सोचा? इस तरह कमाया हुआ पैसा
करोड़ों करोड़ों रुपए हमें नहीं चाहिए। सबको एक जैसा एजुकेशन दीजिए, उतना ही काफी है। सरकार यानी कि भगवान आम इंसान को दर्शन कैसे दे सकते हैं जब आप जैसे पुजारी दर्शन मिलने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं। आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो सरकार को भी मजबूरन मदद करनी ही होगी ना। आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं माँ बाप के कर्म चाहे जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, उनके बच्चों को तो उसका फल मिलता ही है। आपने तो बहुत संपत्ति बना ली, पर इसे बनाने के लिए जो पाप आपने किए उसका पश्चाताप आपके साथ साथ हमें भी करना ही होगा। अभिमन्यु, तुम जीत गए। अभिमन्यु, मैच्योरिटी कभी उम्र से नहीं बुद्धि से होती है, तुमने ये प्रूव कर दिया। अभिमन्यु, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी योजना को सफल करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आई एम विथ यू। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा काम करवाने के लिए दिल्ली में किससे मिलना है, किससे अपॉइंटमेंट लेना है, इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल इंडिया एसोसिएशन मेंबर्स को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी होगी और केस को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। अंकल, उसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट भी चाहिए। हम अगर एक वेबसाइट बनाकर इनके कॉन्सेप्ट को लॉन्च करें तो इंडिया के हर एक स्टूडेंट के साथ साथ करोड़ों लोगों से पसंद करेंगे, तभी ये प्रेसिडेंट तक पहुँचेगा, फिर तो सक्सेस कन्फर्म समझो। और वेबसाइट का नाम हम फ्यूचर इंडिया रखेंगे। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शिक्षण संस्था को नेशनलाइज करने की डिमांड करने वाले अभिमन्यु का सभी स्टूडेंट्स साथ दे रहे हैं। उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स आज दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर अभिमन्यु के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए इस कॉन्सेप्ट को फ्यूचर इंडिया नाम के वेबसाइट पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। अगर ये वेबसाइट कामयाब हुई तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का वादा किया है, तो आइए और हमारे इस सपने को साकार कीजिए। जय हिंद। हम हमेशा आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन अभिमन्यु हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। चलो चलते हैं। ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? कहीं पार्टी की मीटिंग है क्या? मीटिंग नहीं है, सब अभिमन्यु को देखने जा रहे हैं। ये सब क्या है? जैसा उसने कहा था वैसा सचमुच हो जाएगा क्या? नहीं, अगर भरोसा रखोगे तो जरूर होगा। इधर उधर भटकने वाला भंवरा भी फूलों की सुगंध के लिए उड़ता रहता है, उसका क्या है? मत भूलो कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने माँ बाप ने अपने शहीद हुए बच्चों की अर्थियां उठाई। ये लोग यहाँ पर बिरयानी खाने के लालच से नहीं जा रहे हैं, भविष्य में इनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले इसलिए जा रहे हैं। सोच बदलो तभी कुछ होगा। ए, चलो। हाँ हाँ चलो।
पूरा देश तुम्हारे साथ है। बन के दिखाऊंगा।